getting started. Hey, students, क्यों सब आवाज नहीं आ रहा? वही करना पड़ेगा. Hey, stay quiet. क्लास नीरज तुषित आवाज आ रहा है माइक पे? यस मैम. आवाज ओके मेरा आवाज आ रहा था लेकिन मेरा आवाज उनका आवाज नहीं आ रहा. ओके या केस ऑफ मतलब हाँ कोई भी चार भी करोगे ना अगर थ्री मार्कर है तो चले. जो करो कोई एनी हाँ याद नहीं है भूल जाते पेपर बनाते अब मैं पढ़ाऊ. नाउ सी ओके सी मोहनजोदारो लर्न एकदम थरली उसके जितने भी सिस्टम्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल रोज है ड्रेनेज है पब्लिक बाथ्स है पब्लिक बिल्डिंग्स सब अभी के अभी रीड करो. डाउट है तो मुझे बताओ. पूरा हरप्पन सिविलाइज मोहनजोदड़ो पढ़ो अभी का अभी. रुद्र मुझे नहीं उधर डाउट है क्या? ए, अभी मैं ना ये थी थ्री और टेन ही करूंगी. इलेवन चैप्टर बाद में आएगा. उस दिन नहीं आया था ना इसीलिए डाउट है. Read the whole Mohenjo-daro. मैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स नहीं मैं पूरी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आंसर्स. अंडरस्टूड? डोंट यू नो एक्सपेक्ट के आई विल आस्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक जो पीछे दिए है वो तो मैं कभी देखती ही नहीं. टेक्स्ट बुक के बीच में से कुछ भी मैं पूछ सकती हूँ. तो यू हैव टू प्रिपेयर द होल चैप्टर. अंडरस्टूड? हाँ MCQs है ना CBSE में चला जा इस बार ऐसा है CBSE. मोहनजोदड़ो का मैंने पूरा पूछा तो फिर फोर मार्कर में पूछा तो पूरा लिखना है. और अगर मैंने मोहनजोदड़ो की सिस्टम पूछी तो उसकी मोहनजोदड़ो की सिर्फ सिस्टम लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउस सिस्टम रोड सिस्टम. लेकिन मैं या पूछूंगी तो पूरा पूछूंगी या फिर उसमें से टॉपिक्स पूछा रोड पूछ लिया हो आओ बिल्डिंग्स पूछ लिया तो उसकी इस तरह. क्लियर? आएंगे रेड ऑल ऑफ यू एनी डाउट फटाफट.
रोड्स समझाओ, रोड्स एक मेन फीचर है टाउन प्लानिंग का, सबसे मोहनजोदारो का, राइट right? उसमें अब रोड्स की सिस्टम क्या थी, सारे रोड्स 9.7, पहला तो 9.75 मीटर के बने हुए, राइट right? हर एक रोड लिंक होता है, जो छोटा रोड है बड़े रोड से राइट एंगल पे लिंक होता है, उस तरह से बनाया गया। जैसे हमारा 132 फीट रिंग रोड है, राइट right? वो मेन रोड है, तो वो हर एक रोड के बाहर से वो लिंक होता है, होता है कि नहीं है? सो दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सिस्टम वी हैव, राइट। फिर इतने बड़े रोड्स थे कि थ्री व्हीकल्स कैन मीन थ्री कार्स कैन पास साइमल्टेनियसली, यानी आप सोचो कि उसकी हाइट कितनी, यानी विड्थ कितनी ज्यादा हो, राइट। दैट इज द थर्ड पॉइंट। देन देयर वर यू नो ऑन द साइड ऑफ द रोड्स देयर वर द पिट्स, सो इट वाज यू नो दे हैव डिपिक्टेड दैट मे बी दिस आर यूज्ड एज अ नाइट लैंप्स, लैंप पोस्ट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। रुइंस नहीं मिले हैं लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशलिटी ऑफ एंशियंट टाइम, देयर वर टू मेन रोड्स, यहाँ पे स्ट्रेट मेन रोड्स भी होते थे। किस तरह से होते थे? नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, इन दैट वे द ऑल द रोड्स वर मेड, के नॉर्थ पूरा साउथ तक जाता था और ईस्ट पूरा वेस्ट तक जाता था, और दे यू कैन मीट इन द सर्कल, मतलब उस तरह से वो बनाए गए थे, तो यू कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द एरिया। क्लियर? रुद्रा क्लियर? लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट मतलब वो हमारे रोड्स पे लाइट्स नहीं लगी हुई होती है, तो उस वक्त लैम्प पोस्ट में वो मशाले जलाई जाते हैं, सो हाँ इन द नाइट दे कैन हैव अ लाइट, सो फॉर दैट इट वॉज। Now read Lothal everyone. Lothal में कोई doubt है? Lothal में क्या क्या लिखना है हमें? पहले सबसे पहले के क्या कहाँ पे है Lothal, right? हाँ पहले कहाँ पे है वो लिखा, फिर वहां पे कौन से rivers है, तो साबरमती और बगाव है, ठीक है। फिर क्यों, किस तरह से बनाया, थ्री लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वहां पे फाइंड आउट हुए, मतलब फर्स्ट लेयर सेकंड, जो मोहनजोदड़ो में हमारा सिस्टम है वो लोथल में भी फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। फिर डॉकयार्ड बना हुआ है जो हाई टाइड्स को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। फिर वहां पे डॉकयार्ड है, स्टोरेज हाउसेज है, दिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ऐसे प्रूफ भी मिले हैं कि लोथल वॉज यूज फॉर द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इस तरह के पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ बहुत रिच था, पैसा पैसा। सो इट वॉज सेड दैट द लोथल वॉज वन ऑफ द रिच एंड प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया इन द एंशियंट टाइम, राइट। सो दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। क्लियर? मेरा ये बंद हो जाएगा अभी, फांसी हुए। पिलर ऑफ सारनाथ, पिलर ऑफ सारनाथ में क्या लिखोगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जनरली बता रही, मौर्यन आर्ट में तो पिलर ऑफ सारनाथ आया, मौर्यन आर्ट में पिलर ऑफ सारनाथ है। क्या आएगा, रीड करो, चलो। Triumph of religion. Mm-hmm.
सी पिलर ऑफ सारनाथ में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले के सारनाथ सबसे बेस्ट कल्चर है, उसमें फोर लायंस है राइट, फिर चक्र है दैट शोज द धर्म चक्र एट द ट्रायंफ ऑन रिलीजन दैट इट शोज राइट, देन स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट है, फिर हॉर्स है, बुलक है, ये लिखना है आपको, और किस कहाँ पे उसको प्लेस मिला है, तो इन अवर नेशनल फ्लैग अशोका अशोक चक्र हैज बीन गिवन एंड एज अ नेशनल एम्बलम सारनाथ एम्बलम हैज बीन टेकन, तो ये सब आपको उसमें लिखना है ठीक है। अब गोल्डन पीरियड गुप्ता पीरियड, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड, व्हाई गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। कुछ डाउट है तो बोलो, डील करो। सब लिखने हैं, इसीलिए तो इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता था, क्योंकि इतना आर्किटेक्चर उस वक्त डेवलप हुआ था, तो उसके नाम तो लिखने पड़ेंगे, 5 से 6 तो लिखो, स्ट्रक्चर स्कल्पचर, अच्छा स्कल्पचर का मीनिंग, स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति, मतलब पत्थर में से कोई भी आप काम करो या वुडन में या मेटल से आप किसी भी चीज को चीजल या हैमर से आप उसको चीज को काव करते हो तो दैट इज नोन एज अ स्कल्पचर। हाँ यू गिव फेशियल एक्सप्रेशन दैट इज नोन एज अ स्कल्पचर। हाँ ऐसी डेफिनेशन आ सकती है आर्किटेक्चर स्कल्पचर पक्का आएगी तो अब मुझे डालनी ही पड़ेगी, डाल दी चलो। देते हो संडे को मिल जाएगा। आता है तो इजी है, नहीं आता है तो हार्ड मीडियम। अच्छे मार्क्स नहीं है ना, 5 बार लिखवाऊंगी और पूरा पेपर याद रखना रिटर्न ए लॉन, याद कर लिया, कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़ू? सन टेम्पल ऑफ मोडेरा, ना ना उसमें थोड़ा सा दिया है तो मैं उसको किस में पूछू, इन दैट वे आई कैन आस्क बट आई कैन नॉट आस्क एज अ क्वेश्चन। गोपुरम, सी गोपुरम क्या है, गोपुरम एक एंट्रेंस गेट था जो साउथ इंडिया में, इट वॉज अ यू नो डिपिक्शन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चर, इट वॉज से के गोपुरम आर मोर बिगर मोर यू नो बेटर एज फॉर द आर्किटेक्चर देन द टेम्पल्स, सो ऑल द साउथ इंडियन टेम्पल्स हैज अ गोपुरम, सो पीपल हु वर कमिंग फ्रॉम द फार वे they can come to know that ke here the temple is, so then that way the entrance works, jaise ki ye mandir hai to mandir se pehle uska entrance bana diya jata tha to logo ko pata chalta tha ke yahan pe hamara mandir hai, us waqt to google nahi tha na, so they want to make a big gopuram, means height 4 times zyada hoti thi temple se gopuram ki, to dur se logo ko pata chale ki yahan pe hamara मंदिर है, सो फॉर दैट गोपुरम वॉज मेड, और गोपुरम सबसे पहले बनाना शुरू किया था पंड्या रूलर्स ने, तो इतना लिखोगे तो चलेगा राइट। गोपुरम ऑफ कांची मदुराई दे वर वेरी एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब नो गिव अ वेरी होली फीलिंग जब आप उसको देखते हो तो, दैट इज सैंक्टम, सेक्टम कहाँ पे, सेक्टम मतलब उजाला, दैट इज वही है ना, हाँ यही है सेक्टम, इज द एंटायर सेक्टम इज लिट अप, मतलब कि जैसे कि ये मूर्ति है, मूर्ति के आजू बाजू का जो जो जगह है दैट इज नोन एज द सेक्टम,
तो वो पूरा लिट अप हो जाता है। तीन चार दो तीन हाँ वन मार्कर में आ तुम लोगों को और काम क्या है बस तो अभी तो ये एस एस है ना तो भी एस एस पे कॉन्सेंट्रेट कर। हाँ ज्यादा कुछ है नहीं बस इसमें क्या है डिस्क्रिप्शन ही दी है तो जिसमें प्रॉपर दिया है वही पूछने का मतलब है ऐसा। क्लियर डन आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात आर्किटेक्चर्स ऑफ गुजरात में मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ पूरा आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात भी पूछ सकती हूँ। अगर मैंने सिर्फ आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात बोला है तो सबके नाम आएंगे और फिर मैंने उसमें अगर पूछा है कि राइट डाउन टेम्पल ऑफ अबाउट द टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात तो वो लिखना है स्टेपल्स पूछे तो स्टेपल्स लिखना है। ठीक है समझ में आ गया
बना देती हूँ मैम। जी मैम, जी मैम। मैम आपका कैमरा ठीक कर दीजिएगा खाली। मैम मैं अब तक कैमरा हिलाऊंगी ना, फोन हिलाऊंगी ना तो बंद हो जाएगा मैम। मैं करती हूँ, देखती हूँ। ये रहेगा, हाँ पाउच के पास डन। ओके या अब इस टेक्स्ट बुक को नहीं हलाना ना बच्चा। या नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ बीटी सीड्स। सो जो पेस्ट हो लग जाता है उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं कॉटन में, तो वो कभी पड़ते ही नहीं है, तो वो पूरा कॉटन प्रॉपरली ग्रो होता है विदाउट एनी पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड्स की यूज की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उसने ऑलरेडी वो बीटी सीड्स में वो केमिकल डाला हुआ होता है। Now, online students, you have any question? For 15th date exam? Yeah. Cotton में क्या काम होगा? Cotton is not used for the, you know, जो consume के लिए, तो consumption होता नहीं उससे। Naps नहीं। Yes. नहीं 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 सर, नहीं सर। Any doubt in wheat? Wheat में पता है क्या क्या लिखना है? About भालिया लिखना है, then you have to write up. हाँ हाँ, फिर उसका पूरा soil, temperature, all you have to write down, right? States and the where in Gujarat it grows, right? Then the importance and uses of wheat, that also you have to write. हाँ, वो सब लिखना है। पैडी में कोई डाउट है? क्या क्या ना लिखे? नहीं वो तो लिखो कि नहीं तो मार्क्स नहीं दूंगी, वो तो जरूरी है। मैंने टेबल में तुम लोगों को पहले ही बोला था, रेनफॉल, टेम्परेचर, फिर सॉइल, ये तो इम्पोर्टेंट है, फिर स्टेट्स, फिर दूसरे एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स जितने लिखोगे उसके 1/4 मार्क्स मिलते जाए। नहीं हाँ रुक, नहीं हाँ वो, हाँ वो लिखना, मुझे लगा ऐसे 7 points। पैडी में कोई डाउट है? तो तुम लोग लाते हो 40 में से 40 लाने वाले, देखते हैं। चलो कौन सा? हाँ वो 2 marks में, 2 या 3 marks में बस। वो तो मैंने बोला 20 से 22 marks एग्रीकल्चर का, हाँ बाकी क्या 18 marks पॉलिटी चैप्टर। टी और कॉफी रीड करो, टी कॉफी ज्यूट। सॉरी वो तो है लेकिन फिर भी रीड करवा लू ना,
डाउट हो तो मैं तो अपनी साइड से तो ऐसा तुमको ना लगे ना मैम, ये नहीं समझा। गोल्डन फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कलर ही ब्राउनिश येलो ब्राउनिश होता है, तो इसीलिए उसे गोल्डन फाइबर का, ये हमारी बेंच है ना ऐसा कलर होता है इसीलिए जूट का। नहीं किया लेकिन ये वन मार्कर क्वेश्चन है, पूछ भी सकते हैं। जूट इज अ गोल्डन लोस्टोन नोन एज अ गोल्डन फाइबर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नो डाउट, वो तो तुम लोगों ने भी की। टी एंड कॉफी डन, व्हाट डन, ओके चलो टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में से मैं एकदम बोलती हूँ कि एक तो जरूर आएगा, चलो 110% टेक्निकल रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अच्छे से कर लो। चलो दोनों अच्छे से कर, अभी तो 15 मिनट। फोर रीड राइट नाउ टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड में ये पूछा ही जाता है, तुम्हारी जितनी एग्जाम आएगी उसमें से ये एक से दो बार आएगा और बोर्ड में 90% चांसेस है, सो प्लीज रीड इट राइट नाउ। नहीं नहीं ओनली टोल फ्री नंबर इज प्रोवाइडेड, इतना लिख देने का, नंबर लिखने की जरूरत नहीं, सारे पॉइंट्स करने के, एक भी पॉइंट नहीं जाने देना, लर्न करना, फिर वो मैं सोचूंगी, तुमको सब लिखना है लर्न करना है। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या है, टेक्निक्स मतलब टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर में यूज होता है उसे टेक्निकल रिफॉर्म्स कहा जाता है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है अच्छे चेंजेस, तो क्या क्या अच्छे चेंजेस आए हैं, तो पहले तो केमिकल फर्टिलाइजर्स पर पेस्टिसाइड्स हम यूज करने लगे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करने लगे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम यूज करने लगे हैं, लाइक थ्रेशर्स है ये सब वो लिखना है। चौथा हमने एप्स बनाए हैं या जो फार्मर्स को हेल्प करता है, फिर रेडियो चैनल्स है, फिर टीवी चैनल्स है, टीवी प्रोग्राम्स है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, राइट। फिर ई नाम करके ऐप है, आई थिंक सो ई खेडूत या ई नाम एग्री मार्केट सॉरी वो ऐप है, तो उसमें से आपको हेल्प होती है। तो जो टेक्निकली हम जो जो करते हैं वो सब कुछ इसमें लिखना है। कौन सा वाला, नहीं नहीं नंबर याद नहीं करना है। फिर हमने क्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाई है, वो सब लिखना है। ये सारे टेक्निक्स हो गए, ठीक है। हाँ चलेगा। तुम लोग चैट बॉक्स में लिख दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ध्रुमी, मैत्री, ऋषि, कृष्णा, नीरज, तुषित, चैट बॉक्स में लिख दो बच्चा, नो क्वेश्चन।
नहीं सुना है। लैंड सीलिंग एक्ट और लैंड टेनेंसी। लैंड टेनेंसी एक्ट का मतलब क्या होता है? लैंड का डीलर, यानी ऐसे लॉज बना दिए गए कि जो लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत डेंजर, मतलब 150 साल पहले जब ब्रिटिशर्स थे तब लैंडलॉर्ड्स के पास जो भी जमीनें थी, राइट, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि पेपर्स तो सब थे, तो वो लैंड टेनेंसी एक्ट बना दिया गया। उसमें जो टेनेंट्स थे, मतलब जो जिन्होंने गिरवी रखी थी, उन सबको वो जमीनें वापस दे दी गई। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन डन। सेकेंड इज लैंड टू द टीलर। लैंड टू द टीलर का मतलब क्या है? एक दो तरफ से लैंड टू द टीलर एक्ट चलता है। एक तो जैसे कि आप गवर्नमेंट है फॉर द रोड्स, गवर्नमेंट डोंट डू दिस एंड डोंट डिस्टर्ब अदर्स। हाँ बट यू हैव यू नो बट डोंट डू। लैंड टीलर्स एक्ट दो तरह से होता है। लैंड टू द टीलर का मतलब क्या होता है कि किसी जैसे कि 5 साल या 6 साल या 10 साल तक एक खेत है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फार्मर है और वो फार्मिंग कर रहा है 5 साल 6 साल, और उसको यू नो कोई आता नहीं है एज अ पर्सन के इट इज माई ऑथोरिटी, मेरी जगह है, ऐसे बोलने के लिए कोई भी नहीं आता है, तो दैट प्लेस विल बी गिवन, दैट फार्म विल बी गिवन टू द टीलर, मतलब जो टील करता है, टील मतलब टीलर, तो लैंड टू द टीलर एक्ट वो है फर्स्ट। सेकेंड, गवर्नमेंट डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, राइट, प्रोजेक्ट्स बनाती है, तो उस वक्त उसमें जमीन चली जाती है फार्मर्स की, क्योंकि वहीं पे बनते हैं ना, जगह तो जाएगी, तो फिर गवर्नमेंट उनको उससे ज्यादा अच्छी जगह उनको प्रोवाइड करती है। तो दैट इज टू पार्ट्स विल कम इनटू द दैट, लैंड टू टिलर, लैंड टू द टिलर एंड लैंड टेनेंसी। समझ में आ गया? लैंड सील्ड, एक मिनट। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब होता है यही सेम लैंड टेनेंसी एक्ट, मतलब जो सील्ड करके दी गई थी ना जमीन है जो लैंडलॉर्ड्स के पास थी या किसी के पास थी, तो वो उसके राइट ओनर्स को वापस दे दी गई। दैट इज आल्सो द लैंड सीलिंग। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? जब आप बहुत ही इम्प्रूव सीड यूज करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो, पेस्टिसाइड यूज करते हो, फिर फार्मर्स बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं उसमें, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इरिगेशन फैसिलिटी होती है, ये सब जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो दैट इज नोन एज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलो होमवर्क निकालो सर, 30 MCQs देंगे। आंसर नहीं लिखे
27 हो गया।